नमस्ते काल, मैं है और अगर आपका फॉर यू सो लॉन्चिंग देगुलर बैच जी हाँ और टोटल ऑफ टू ट्वेंटी फाइव आवर्स एंड उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है वो सारी मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के साथ क्या बुक्स है सर कैसे पढ़ाओगे क्या कंटेंट होगा बुक में कवरेज वाइज सर रिविजन लेक्चर है ठीक है एंड अगर आप लोग ने ये एफ कर लिया बट आई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर माई एग्जाम ओरिएटेड और फास्ट ट्रैक मास्टर क्लास बैचेज दैट विल ऑल्सो बी परफेक्ट फॉर यू तो सर क्या इसमें कवरेज होने वाला है उ आर टू गो इट्स टू बीस रिकॉर्डेड रेगुलर बैच तो एकदम डिटेल में होता है प्लस आई कैन यूपी एम नहीं पढ़ा है एंड फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो जो इंटर से जस्ट क्लियर होके आया है उसका इंटर में भी एफ एम क्लियर नहीं था ट्रस्ट मी दिस इज द बैच फॉर यू तो चलो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग सबसे पहला बुक्स एंड इट्स कवरेज तो आपको मिलेगी तीन बुक्स सबसे पहले यह है ऑप्टिमाइज की वॉल्यूम वन ऐसे ही ऑप्टिमाइज की वॉल्यूम टू भी है एंड देन देर इज अ समरी बुक विच इज कॉल्ड एज द मैजिक बुक तो ये तीनों चीजें आप लोगों के साथ होगी डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी थिंग फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू स्टडी बिकॉज दिस विल कवर एवरीथिंग सो ऑप्टिमाइज अपना डिटेल्ड बुक होता है बट ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम पे तो आप लोग पूरा डेढ़ दिन में ये इतना सारा डिटेल चीज नहीं कर पाओगे फॉर दैट वी हैव द मैजिक समरी बुक क्या है उसकी डिटेल्स दो मिनट में आपको बताता हूं तो सबसे पहले आईसीआई मोड्यूल हंड्रेड एंड वन परसेंट कवर्ड पास मजा आ जाएगा आप लोगों को ये सेशन में और मैं आ, बुक्स की डिटेल्स भी अभी आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ आई हैव द होल बुक दोनों ऑप्टिमाइज और मैजिक बुक ये दोनों के बारे में टीचिंग स्टाइल वेल यू डेप्थ मैं

तो आपको डेमो में तो सर अच्छा ही पढ़ाएंगे तो आप मेरे रिवीजन लेक्चर भी देख लो भले ही आपको कोई नॉलेज नहीं है उस टॉपिक का तो भी आप मेरे रिवीजन लेक्चर देखते हो मैं आपको बोलता हूँ आप कनेक्ट कर पाओगे मेरे कितने सारे कॉन्सेप्ट से बेस्ड लेक्चर्स है जैसे फ्यूचर्स के ऊपर हो गया फॉरेक्स के ऊपर हो गया डेरिवेटिव है कैपिटल बजेटिंग है वो देख लो टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे भी आप जज कर पाओगे कि यू नो व्हाट इज द लेवल दैट वी आर गोइंग टू गो इवन ऑन अ टॉपिक लाइक दैट विच यू ऑलरेडी नो राइट सो फुल लेक्चर्स का डेमोस देख लो रिवीजन कॉन्सेप्ट लेक्चर्स सब देख लो गेट योर सेल्फ सेटिस्फाइड एक वाइब मैच होना चाहिए बॉस वाइब मैच होना चाहिए कॉन्सेप्टअल क्लैरिटी आना चाहिए बिकॉज आप लोग नोट करोगे द आई एम टीचिंग दिस इज हाउ इट वर्क आई विव यू सम्पल्स कनेक्टिव टू द कॉन्सेप्ट एंड हर एक फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है एंड इज वॉट विल बी माई फोटे इन द क्लासरूम लेक्चर एज वेल राइट एंड ये आप लोग को दिख जाएगा जब आप लोग ये यूट्यूब uh, लेक्चर देखोगे यू विल गेट अ फुल बाद में आ जाते हैंट आर द थिंग्स दैट ट्रबल मी सबसे पहला कि सर बुक्स और उसकी कवरेज क्या होगी तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई आपको स्टूडेंट चाहिए ये चार पांच तो है, है, स्टाइल वो आप लोग डेमो देकर आपको खुद ही पता चल जाएगा बाकी मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं इन डेप्थ एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज भी दूंगा सो दैट खाली सी ए ही नहीं बनो सीए बन के वो वैल्यू एड भी रहे जब आप इंडस्ट्री में जाओ एंड दैट इज वेर माई फॉर्मुला डेरिवेशन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद एग्जाम्पल इज गोइंग टू हेल्प यू द मोस्ट फिर आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर टाइम तो तक अपना साथ रहेगा ऑब्वियसली टिलम दाउंटेंट सी एम ए बोर्ड है यू विल गेट दोज रिविजन लेक्चर्स हर एक चैप्टर के रिविजन लेक्चर्स आपको मिलेंगे मैराथन सेशन रहेगा ऑन द डे ऑफ एग्जाम सो दैट टिल द एंड वी आर टूगेदर ओके लेक्चर के डिटेल्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा ये लाइव इज मॉर्निंग सेवन टू टेन एम एक एक प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा आपको ऑल द सम आर सॉल्व इन द्लास ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से एक एक सम को हम लोग सॉल्व करते हैं क्लास में सो so दैट अगर आपका कोई डाउट भी हो तो भी आप मुझे ऑन द स्पॉट पूछ सकते हो प्लस मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर रहेगा एंड दैट इज वेयर ऑल्सो यू कैन ड्रॉप व्हाट्सएप सो इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स यू नो दैट एक एक चीज सॉल्व होने वाली है कैलकुलेटर ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा जो हेल्पफुल होगी आपको एमसीक्यू पे क्विकली सम को सॉल्व करने के लिए ऑन ओवरऑल बेसिस आल्सो देयर विल बी टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस अभी भी आप जाके देखोगे तो आपको एमसीक्यू के टेस्ट दिख जाएंगे मेरे वेबसाइट के ऊपर डिस्क्रिप्टिव है चैप्टर वाइज टेस्ट है फुल टेस्ट है सो ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड विद इन द पैकेज सो आई होप वी आर ऑल एक्साइटेड टू गेट इट डन एंड डेड एंड जैसा मैंने बोला जितना आप एक दो तीन चार पांच छह सात डेमो देख लो यार अलग ही फील आ जाएगा आपको Right? अब मैं आप लोगों बता रहा था मेरे बुक्स के बारे में. So, अगर मैं आपको मेरे डिटेल uh, बुक के बारे में बताऊँ तो चलो मैं अगर यहाँ पे ओपन करता हूँ मेरा ये चैप्टर फेवरेट चैप्टर फॉरेक्स राइट right? अब अगर आप लोग यहां पे फॉरेक्स को देखोगे तो देखो आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगी देखो सबसे पहले यहाँ पे स्टडी मेंटर वन ऑफ अ काइंड कहीं पे भी आपको ये स्टडी मेंटर कोई बुक में नहीं मिलेगा बट दिस इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज पेपर सिक्स में जब आपको ए की जरूरत पड़ेगी तभी भी आप ये यूज कर सकते हो बिकॉज इट इज अपन बुक एग्जाम पेपर सिक्स अब यहां पे मैंने क्या दिया है आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट दे दिए हैं जो भी कॉन्सेप्ट अपन लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं अब जैसे जैसे ये क्लास में होते जाते हैं आपका काम है इसको टिक करते जाना ठीक है जब फर्स्ट टाइम करते हो तो आप टिक मारोगे फिर बाद में सेकंड टाइम खुद से रिवाइज करोगे अगर आपको रैंक लाना है तो आपको भी पता है चार से पांच बार रिवीजन चाहिए जितना आप टिक मारोगे यू विल रियलाइज दैट यस उतना मेरा कॉन्फिडेंटली पढ़ के हो गया है अगर आपको लगा कि कोई चीज आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है हाईलाइट दैट सो दैट एग्जाम के दिन पे आप आए आपने वो पेज नंबर ओपन किया आपने वो कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया एंड यू आर डन एंड डस्टेड सो दैट्स हाउ द अप्रोच शुड बी हर एक यू नो कौन से कॉन्सेप्ट में कौन सा क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एवरीथिंग सो so, अभी यहाँ पे से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट पैरिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन है और उससे रिलेटेड फिर बाद में कोई सम आ गया ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड यर एंड दैट्स वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू राइट सो

तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यू विल गेट एट वन प्लेस प्लस मैंने एक नई चीज क्या किया पता है आपको सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मेरे को कोई नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है जैसे ऐसे लीडिंग एंड लैगिंग का तो मैंने क्या किया है मैंने ये कॉन्सेप्ट को यहाँ लैगिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया है अब इसका एक फॉर्मेट फॉर्मेट है है ये मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। उसी के नीचे आ गया ये सम रिलेटेड टू लीडिंग एंड लैगिंग ऐसा हर चैप्टर में है अब यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा है कि आर्बिट है तो पहले आर्बिट का एक कॉन्सेप्ट आ गया फिर इस आर्बिट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे पास आ गए सम So, ये देखो ट्राइंगुलर आर्बिट्राज इधर तक पूरा कॉन्सेप्ट था अब फिर बाद में यहाँ पे सम आ गया ट्राइंगुलर आर्बिट्राज का तो कनेक्ट हो रहा है जब आप बुक लेके हो देखो कैसा है लेक्चर तो आप मेरा अटेंड कर ही लोगे समझ जाएगा बट उसके बाद दो तीन महीना निकल जाता है वी डोंट ओपन द बुक तब फिर बाद में कॉन्सेप्ट कहां से याद आएगा दैट इज वेर दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल तो आपको पता है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन स्टार्ट करने के पहले आपके पास एक कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू है तो आप लोग ने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया ओवरव्यू ले लिया चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ सो right, so, हर एक

और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही मैंने रिवीजन लेक्चर बनाया है मेरे यूट्यूब के ऊपर सो दैट यू आर कंफर्टेबल ऑन द डे ऑफ एग्जाम एज वेल बिकॉज अगर आपको तीन से चार बार रिवीजन करना है तो हर बार वो ऑप्टिमाइज पूरी बुक नहीं पढ़ पाओगे तो ऐसे टाइम पे आपको जब थर्ड रिवीजन है जब आपके पास थर्ड रिवीजन के लिए हार्डली तीन चार दिन होगा एक सब्जेक्ट के लिए दैट इज वेर यू विल फॉलो ऑन दिस बुक एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट यस yes, अब इस बुक से अपन लोग सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे सो so, ये देखो ये सारे के सारे इधर मेरे कॉन्सेप्ट है डायग्रामेटिकली इन द द कलरफुल एंड कवरिंग होल मॉड्यूल सो थ्योरी आ गया पहले स्टार्टिंग में अब एक साथ कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज सारे एक साथ आ गए और फिर बाद में मैंने इसी बुक में दे दिया है समथिंग कॉल्ड एज मास्टर सम्स तो एग्जाम के दिन पे भाई ऑप्टिमाइज में होंगे

सारे कॉन्सेप्ट भी कवर हो गए एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑल्सो एक ही जगह पे मेरे को सब चीज मिल मिलेगा राइट सो दिस इज द यू कैन से स्पेशलिटी और द ब्यूटी ऑफ द बुक सो नाउ एज अ स्टूडेंट बोलो एज अ स्टूडेंट वेन यू आर लुकिंग फॉर अ लेक्चर बुक्स सॉर्टेड राइट ये रहा। आपके सामने है। yes. ठीक है बुक्स सॉर्टेड टीचिंग स्टाइल तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीजें आप जो डेमो देखोगे आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए yes, साथ कनेक्शन साथ लग रहा है and I want to do it. चीज़े समझनी चीज़े. खाली बुक इज नॉलेज नहीं प्रैक्टिकली हुई जो मैंने किया है लाइफ में काम भी राइट एंड ऑब्वियसली जो बुक की चीज है वो तो कंटेंट मैं करवाने ही वाला हूँ सोल्व बाई डिफॉल्ट एग्जाम टाइम पे सर है डोन्ट वरी आज भी जाओगे तो मिलेगा हेल्प पूरी तरह से राइट right. लेक्चर का डिटेल्स मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सॉल्विंग ऑल सम्स इन द क्लास विद होमवर्क बिकॉज आप जितना अपने आप को ट्रेन करोगे उतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे एग्जाम के लिए एंड दैट इज वॉट यू आर लुकिंग फॉर ऑन राइट गाइड सो अभी एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है सो डेफिनेटली यू शुड एंड रूल फॉर इट और आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच चाहिए दैट इज ऑल्सो अवेलेबल आपको लाइव थोड़ा बैठना है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल चॉइस

उसका डिटेल्स आपको दे दूंगा तो यहाँ ये फाइनल में जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट डालेंगे बैच एंड ये रहा आपको यहां से परचेज करना है फॉर योर रिस्पेक्टिव अटेम सो सर कहां पे जाना है मैं नीचे आप लोगों को लिंक दे दूंगा बट स्टिल यू कैन गो ऑन वेबूकेट डॉट इन या मेरा वेबसाइट संकल्प कांस्टिया डॉट इन पे भी ले सकते हो बाकी वी हैव आर हेल्पलाइन नंबर ओके सो सेवन सिक्स सेवन सिक्स एट सेवन सिक्स एट सेवन सेवन सो यहां से भी आप लोग परचेज कर सकते हो और आई गाई एक्साइटेड टू सी यू ऑल इन माई सेशन वेरी सुन एंड डेफिनेटली यू कैन इन्फॉर्म इट टू योर फ्रेंड्स As well. Time for me to say, la मिलते हैं बहुत मजे करेंगे बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे एंड एंश्योर करेंगे that आज जो वादा किया है अच्छे मार्क्स लाने का उसको पूरा करके दिखाएंगे की